अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वबाई अमराज से फौत होता है वो शहीद का दर्जा रखता है। कोरोना वायरस से मुतासर एक शख्स आरिफ कॉलोनी के साकिन का आज इंतकाल हो गया। मरहूम के जितने टेस्ट किए गए थे वो शुरुआती दिनों में निगेटिव आए थे, लेकिन बाद अज़र जो टेस्ट किए गए वो तमाम पॉजिटिव टेस्ट सामने आने के बाद आज वो इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 5 अफराद की शिरकत का ही हुक्म जारी किया गया था और उनके तमाम रिश्तेदारों ने भी इस हुक्म का और डिपार्टमेंट का पूरा ताउन करते हुए इस पर अमल किया। आज घाटी दवाखाने से मरहूम की जनाजा सीधा चिताखाना कब्रिस्तान पहुँचाया गया और यहाँ पर इनकी तदफीन अमल में आई। वाजह हो मरहूम बहुत मुखलिस और सोम सलात के पाबंद आदमी थे। इतना ही नहीं बल्कि जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था उसके फौरन बाद उन्होंने अपने मोहल्ले के आसपास रहने वाले तमाम गरीबों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रखा था। इस तरह औरंगाबाद में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। दूसरी एक अहम खबर यह है कि औरंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव से मुतासर मरीजों की तादाद में आज एक और मरीज का इजाफा हुआ है, जिसका ताल्लुक बायजीपुरे से है। एशिया एक्सप्रेस को मिली इत्तला के मुताबिक ये नौजवान की उम्र 17 साल है और ये कुछ दिन पहले ही अपने किसी रिश्तेदार से मिलने मुंबई से औरंगाबाद आया था। फिलहाल इस शख्स इस नौजवान को आइसोलेट कर दिया गया है। तीसरी एक अहम खबर यह है कि शहर में सांस की से मुतालिक बीमारी यानी सारी की रोकथाम के लिए 13 हेल्थ सेंटर्स कायम किए गए हैं। दरअसल सारी किसी मखसूस बीमारी का नाम नहीं है और ना ये कोई नई बीमारी है। सारी का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सारी किसी भी शख्स के सीने और सांस की बीमारी या अस्थमा के अटैक से हो सकती है। इसके अलावा तेज बुखार भी इसकी एक अहम वजह है। सारी से मुतासर शख्स पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से हमला करते हैं और इससे बहुत ज्यादा नुकसान उस शख्स को हो सकता है। इसी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर में 13 हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें खिलियारक में वाक़ हॉस्टल, समाज कल्याण हॉस्टल और MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इस तरह जुमला शहर में 2500 बेड्स पर मुश्तमिल इंतजाम किया गया है। अगर एशिया एक्सप्रेस की आप तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सीने में कोई तकलीफ होती है, सांस में कोई तकलीफ होती है या आपको तेज बुखार होता है तो आप फौरन अपने किसी डॉक्टर से कंसर्न करें। कोरोना वायरस से मुतालिक आज ये था शहर का अपडेट। दिगर कौमी, बैनुल अक्वामी और मकामी खबरों के मुताले के लिए आप हमारी वेबसाइट www.asiaexpress.co.in पर जाकर भी तफसीली मुताला कर सकते हैं। उम्मीद है आप अपने घरों पर महफूज होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।